हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे आप सभी का स्वागत है इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में बच्चों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन का कुछ इंट्रोडक्शन देखा था और हमने देखा था फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट में कौन से कौन से पार्ट हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लियर है तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए क्योंकि उसमें हम हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे बेटा वो हमने क्लियर कर चुका है जो रेस्पिरेशन है रेस्पिरेशन कितने चरणों में पूर्ण होता है रेस्पिरेशन के चरण में कौन से कौन से चरण में कौन सी कौन सी प्रोसेस होती है इसके बारे में देखा था और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था आज हम लोग बेटा Glycolysis के बारे में पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है हमारा क्या फर्स्ट स्टेप है जो है ग्लाइकोलिसिस क्या है ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन का पहला पार्ट है ग्लाइकोलिसिस जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस में कौन सी कौन सी प्रोडक्ट बनते हैं क्या बनता है को कितने मात्रा में एनर्जी बनती है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं बेटा तो चलिए तैयार हो जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या ग्लाइकोलिसिस क्या स्टार्ट करते हैं बेटा ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करते हैं चलिए तो क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस लेसिस Glyco ठीक है क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको हिंदी में भी बेटा ग्लाइकोलिसिस ही कहा जाता है क्या कहा जाता है हिंदी में भी ग्लाइकोलिसिस ही कहा जाता है सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो ग्लाइकोलिसिस शब्द है ये जो आपका ग्लाइकोलिसिस शब्द है इसका मतलब क्या है इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है ठीक है तो ग्लाइको बेटा ये जो है ग्लाइकोलिसिस ये आपको इसमें दो शब्द मिलने वाले हैं कौन से कौन से दो शब्द एक मिलने वाला है क्या ग्लाइको क्या मिलने वाला है एक मिलने वाला है ग्लाइको और दूसरा शब्द मिलने वाला है बेटा क्या लिसिस ठीक है जो ग्लाइको शब्द है वो ग्लूकोज से आया है किससे आया है बेटा ग्लाइको जो शब्द है वो आपको ग्लूकोस से देखने को मिलेगा एक सेकेंड ग्लाइको जो शब्द है वो कहाँ से आया है ग्लूकोस ग्लाइको शब्द मिलेगा ग्लूकोस से और लीसिस शब्द बेटा लाइजिंग किससे आया है लाइजिंग लाइजिंग का मतलब होता है क्या तोड़ना क्या होता है तोड़ना क्लियर है क्लियर है बेटा तो आपका जो ग्लाइकोलिसिस है फर्स्ट स्टेप रेस्पिरेशन का उस ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना क्या होता है बेटा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ब्रेकडाउन होना ही क्या कहलाता है ग्लाइकोलिसिस कहलाता है हम इसमें क्या करने वाले हैं ग्लूकोस को तोड़ने वाले हैं क्या करने वाले हैं ग्लूकोस को तोड़ने वाले हैं ठीक है तो हमको जो पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग जो ग्लूकोज है ग्लूकोज क्या है बेटा हमारा एक रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है क्या है बेटा रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है जिससे हम लोग क्या करने वाले हैं एनर्जी प्राप्त करने वाले हैं ठीक है बेटा तो ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है ग्लायकोलिसिस कहलाता है ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है इसका नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है उसको हम लोग बोलते हैं ईएमपी पाथवे क्या बोलते हैं बेटा ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है अब ईएमपी पाथवे क्यों कहा जाता है क्यों कहा जाता है इस पाथवे को ईएमबी पाथवे ईएमपी पाथवे ईएमपी पाथवे बेटा तीन वैज्ञानिक इसमें मुख्य रूप से आते हैं कौन से कौन से कौन से कौन से इम्बे मेयर हाफ मेयर हाफ एंड पारनास तीन वैज्ञानिकों ने बेटा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बताया था ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के बारे में तीन वैज्ञानिकों ने बताया था इम्बेडेन और पारनास इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसे ई एम पी पाथवे भी कहा जाता है क्या कहा जाता है ई एम पी पाथवे भी कहा जाता है कौन सा पाथवे बेटा ई एम पी पाथवे ई एम पी पाथवे भी कहा जाता है क्लियर है बेटा तो इसका सबसे पहली चीज हमको क्या रखना है स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे बेटा तो हर टॉपिक को हर पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनना है क्योंकि हर पॉइंट इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट भी छूटा तो आपको फिर चीजें क्लियर नहीं होंगी सबसे पहली चीज जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है इसका मतलब क्या होता है बेटा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना इसको क्या बोला जाता है बेटा ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है क्या कहा जाता है ई एम पाथवे भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि इसके बारे में इम्बेडेन मेयर पारनास नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था ठीक है इसलिए इसको ई एम पाथवे कहा जाता है नेक्स्ट चीज इसमें याद रखने वाली क्या है नेक्स्ट चीज इसमें याद रखने वाली है कि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है ये कहाँ होती है बेटा यह किसमें पूर्ण होती है साइटोप्लाज्म किस में कंप्लीट होती है बेटा साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है साइटोप्लाज्म में पूर्ण होती है साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है साइटोप्लाज्म में पूर्ण होती है नेक्स्ट चीज इसमें याद रखना है यह ऑक्सी और अनाक्सी दोनों श्वसन में उपस्थित पाई जाती है यह ऑक्सी तथा अनाक्षी अनाक्सी दोनों प्रकार के श्वसन का भाग है दोनों प्रकार के स्वसन का भाग है। ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लाइकोलिसिस जो साइकिल है बेटा वो ऑक्सी जो ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनिज्म है और एरोबिक ऑर्गेनिज्म और अनुबिक ऑर्गेनिज्म दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म में जो पहला चरण है हमारा पहला चरण कौन सा है ग्लाइकोलिसिस है तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो दोनों प्रकार के श्वसन में होगा चाहे वो ऑक्सी श्वसन करता हो चाहे अनाक्सी श्वसन करता हो ग्लाइकोलिसिस जो है सभी में पाया जाएगा क्लियर है बेटा इतनी चीजें क्लियर हुई चलिए नेक्स्ट आ जाएगा क्या नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहां लिख दे रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग यहां पर कि यहां पर क्या होगा चूंकि जो ग्लूकोज है कहाँ है, है फॉर्मूला होता है क्या सी सिक्स एंड ओ सिक्स ये इसका फॉर्मूला है इसमें कार्बन कितने होते हैं? होते हैं बेटा सिक्स कार्बन मोलिक्यूल हैं। कितने हैं सिक्स कार्बन मोलिक्यूल है मतलब कार्बन के अणु आपको देखने को मिलने वाले हैं क्लियर है तो इसमें क्या होगा जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है बेटा इसमें होगा कार्बन वाले मॉलिक्यूल से कार्बन वाले योगिक से एक कार्बन वाले योगिक से तीन कार्बन वाले तीन कार्बन वाले बेटा दिख रहा है एक सेकेंड नहीं दिख रहा तीन कार्बन वाले पायरुविक अम्ल पायरुविक एसिड का निर्माण होता है ये कल हम लोगों ने देखे थे पायरुविक एसिड का निर्माण होता है पायरुविक एसिड का निर्माण होता है ठीक है बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट हो जाएगा कि जो आपका ग्लाइकोलिसिस साइकिल है सॉरी ग्लाइकोलिसिस पथवे है यह दस चरण में दस स्टेप में पूर्ण होता है ये इसकी कुछ खास बातें हैं, ये इसकी कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखना है सबसे पहली चीज क्या याद रखना है बेटा जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है क्या जो आपका ग्लाइकोलिसिस साइकिल है बेटा वो ग्लाइकोलिसिस साइकिल सॉरी ग्लाइकोलिसिस का जो पहला स्टेप है जो पहला स्टेप है वो क्या होता है बेटा उसमें आपको क्या करना है सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस का मतलब कि की में का हमको याद रखना है कि की जो है, वो कहा होती, होती है फिर इसको क्या कहा जाता है ईएमपी एम पी भी कहा जाता है किसको क्योंकि इसको इम्पेन मेयर ऑफ और पार्नास नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने ही इसके बारे में बताया था फिर यह अक्ष और अनाक्षी दोनों प्रकार के उपस्थित चरण है ग्लाइकोलिसिस दोनों प्रकार के जीवों में दोनों प्रकार के श्वसन में होता है इसमें क्या होता है बेटा छह कार्बन वाले जो मॉलिक्यूल है उसका तीन कार्बन वाले मॉलिक्यूल तीन कार्बन वाले यौगिक पायरुविक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है और नेक्स्ट है कि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है वो कितने स्टेप में कितने चरणों में पूर्ण होती है तो दस चरणों में पूर्ण होती है ठीक है कितने चरणों में पूर्ण होती है दस चरण में पूर्ण होती है ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल तक बनने की जो प्रोसेस है इसमें क्या लग होता है बेटा दस चरण पूरे होते हैं ठीक है क्लियर है इतनी चीजें याद रहेंगी बेटा इतनी चीजें याद रहेंगी अगर इतनी चीजें याद रहेंगी इतनी चीजें अगर आपको समझ में आई हैं तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे ग्लाइकोलिसिस पाथवे की तरफ किसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग हमारे ग्लाइकोलिसिस पाथवे की तरफ तो चलिए बढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे पाथवे ग्लाइकोलिसिस पाथवे क्लियर है बेटा हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में और इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या होने वाला है बेटा अगर हम बात करें तो इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे में सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसी ग्लूकोज से इसी ग्लूकोज से किसका निर्माण होने वाला है पायरविक एसिड का निर्माण होना ही क्या है ग्लाइकोलिसिस साइकिल है तो किस टाइप से यह ब्रेकडाउन होता है इसको देखना है ग्लाइकोलिसिस इसमें कितने कार्बन है बेटा सिक्स कार्बन है ठीक है ये जो ग्लाइको ग्लूकोज है बेटा ये जो आपका ग्लूकोज है एक सेकेंड ये जो ग्लूकोज है ये जो ग्लूकोज है ये क्या करता है क्या लेके एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल लेके क्या करके एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल लेके काय में चेंज हो जाता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में किस में चेंज हो जाता है बेटा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट क्या बना लिया इसने ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट अब ये फॉस्फेट जो है ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो बनाया इसने ये फॉस्फेट आया कहाँ से बेटा अगर हमको कोई चीज बहुत बड़ी चीज है उसको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ऊर्जा लगाना पड़ेगा अगर मान लो मेरे को किसी को मारना है तो क्या करूंगी मैं ऊर्जा लगाऊंगी अपनी पूरी ताकत लगाने वाली हूँ ना तो वही तो क्या है यहां पर भी मैं ग्लूकोज को तोड़ रही हूँ तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए मेरे को क्या चाहिए एनर्जी चाहिए क्या चाहिए बेटा एनर्जी चाहिए तो यहाँ पर हमारे शरीर में चूंकि ए के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है तो हम लगाएंगे किसके फॉर्म में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है तो हमने लगा दिए क्या ए अब ए एनर्जी के रूप में लगा इसमें से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल कहाँ आ गया ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ग्लूकोज के पास में आ गया तो बचा कितना एक निकल गया तो क्या बनाया बेटा इसने एडीपी बना लिया क्या बना लिया एटीपी था एटीपी ने अपना एक फास्फेट मॉलिक्यूल ग्लूकोज को दे दिया उसका हो गया क्या हो रहा है यहाँ पर फास्फोराइलेशन क्या हो रहा है फौस्वरीली कराना। फौस्वरीली कराना। इसका फास्फोरिलीकरण मतलब फास्फोराइलेशन हो रहा है किसका ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन हो रहा है हमारी पहली स्टेप ही है क्या ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन ठीक है और इसमें क्या होगा ग्लूकोज से फॉस्फेट मॉलिक्यूल को एड करना होगा और ग्लूकोज से चूंकि फॉस्फेट मॉलिक्यूल को एड करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको इसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल कहीं से तो लाना पड़ेगा और हम इसको क्या कर रहे हैं चूंकि ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो ब्रेकडाउन करने के लिए हम लोग इसमें क्या लेते हैं एटीपी के रूप में एनर्जी देते हैं इसको तो एटीपी के रूप में जो एनर्जी दे रहे हैं वो अपना एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या कर रहा है बेटा ग्लूकोज को देख के ए का फॉर्मेशन कर रहा है क्लियर है ये चीज समझ में आई इसके बाद ये जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है क्या है जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है बेटा इसमें एक एंजाइम काम करता है इस एंजाइम का नाम याद रखना है आपको यहाँ पर जो एंजाइम काम करने वाला है उसका नाम है हेग्जा क्या है बेटा हेग्जा काम करता है इसको ब्रेकडाउन करने के लिए क्लियर है अब देखते हैं जो ग्लुकोस ये जो ग्लूकोज फास्फेट है बेटा ये बना लेता है क्या आइसोमर क्या बना लेता है आइसोमर बना लेता है समावयवी बना लेता है समावयवी अब ग्लूकोज का समावयवी मतलब जिसमें सूत्र तो कैसा हो समान हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो वो क्या है फ्रक्टोज क्या है बेटा फ्रक्टोज तो इसमें क्या बनाता है ये फ्रक्टोज सिक्स फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट क्या बनाने वाला है फ्रक्टोस क्लियर है क्या बनाया इसने फ्रक्टोस बन अब, अब फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा हमको ब्रेकडाउन करना पड़ेगा अब ब्रेकडाउन करेंगे तो क्या बनेगा इसमें फिर से हमको एनर्जी देना है क्या करना है फिर से हमको एनर्जी देना है ठीक है तो एनर्जी देंगे तो फिर से एनर्जी दिए हमने किस फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं हम लोग ए के रूप में एनर्जी दे रहे हैं और ये ए टीपी में चेंज हो रहा है बेटा ए में चेंज हो जा रहा है फिर से एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या हो गया फिर से एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल दे दिया ए ने एक एनर्जी दे रहा है अपनी तो चूंकि फॉस्फेट का मॉलिक्यूल दे दिया तब क्या बनेगा बेटा यहाँ पर क्या बनेगा क्या बनेगा फ्रक्टोस फ्रक्टोस अब पहले से तो सिक्स स्टेज मतलब जो कार्बन के साथ में है ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ था फास्फेट जुड़ा हुआ था अब पहले कार्बन के साथ में भी क्या जुड़ेगा फास्फेट जुड़ जाएगा क्योंकि दो फास्फेट जुड़ गए तो अब हम लिखेंगे क्या वन सिक्स चूंकि दो फास्फेट हैं इसलिए लिखेंगे डाई फास्फेट ठीक है बेटा क्या लिखेंगे डाई फॉस्फेट क्यों लिखे हमने पहले तो फ्रक्टोस था ही फास्फेट जो है फास्फेट ने एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल फिर से ले लिया एनर्जी के रूप में जब इसको हमने दिए एटीपी तो उसने फॉस्फेट का मॉलिक्यूल लिया एडीपी का फॉर्मेशन किया पहले जो फ्रेक्टोस था फ्रेक्टोस था उसके छठवे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ था बेटा फॉस्फेट जुड़ा हुआ था छठवे कार्बन से फास्फेट जुड़ा हुआ था इसलिए इसको सिक्स फास्फेट लिखा गया अब जब फिर से जो नया फास्फेट मॉलिक्यूल ऐड होगा वो फास्फेट जो है वो कब से एड होगा पहले कार्बन से एड होने वाला है फ्रक्टोज के पहले कार्बन से एड होगा क्या फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट ठीक है अब क्या बना फ्रक्टोज वन सिक्स डाई फास्फेट बन गया क्योंकि दो मॉलिक्यूल आ गए यहाँ पर किसके फास्फेट के क्लियर है इसके बाद जो है ये जो फ्रक्टोज वन सिक्स डाई फास्फेट है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा किस में डिवाइड हो जाएगा बेटा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो इसको मैं इसके आगे की स्टेप हम लोग बना लेते हैं इसके आगे की जो स्टेप है, बेटा ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्या हो जाएगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा पहला क्या बनेगा बेटा पहला क्या बनेगा पहला बनेगा थ्री फास्फो क्या बनेगा बेटा थ्री फास्फो फास्फो फो ग्लिशरे हाइड क्या बनेगा पहला बनेगा थ्री फॉस्फो ग्लिस हाइट ठीक है और सेकेंड बनेगा जो हमारा दो दूसरा पार्ट जो बनेगा वो क्या होगा क्या हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट यहां लिख दे रहे हैं हम लोग क्या बनेगा यहाँ लिख दे रहे हैं एक सेकेंड यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा दूसरा है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन

इसको शॉर्ट फॉर्म याद रखना है इसकी इसको कहा जाता है क्या पी जी ए फॉस्फो क्या कहा जाता है पी जी ए ठीक है अब चूंकि फॉस्फो बन चुका है थ्री फॉस्फो बन चुका है अब आगे क्या होगा बेटा यहां तक होती है हमारी फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पर क्या हुआ फास्टफूडीकर फास्फोरिलीकरण हुआ आइसोमर्स बन गए क्या बन गए आइसोमर्स बन गए आइसोमर्स बन गए आइसोमर्स बनने के बाद में इसमें फॉस्फेट फिर से ऐड हो गया मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया बेटा एक सेकेंड सॉरी सॉरी एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गई एक सेकेंड बेटा थोड़ा वेट करेंगे थोड़ा वेट करेंगे बहुत धोखेबाज है बेटा है ना कभी भी धोखा दे देता है ठीक है चलिए आए आ गया आ गया है हमारा चलिए हाँ तो हम क्या कर रहे थे जो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है सेकेंड फास्फोराइलेशन क्या हो रहा है फास्फोराइलेशन हो रहा है फास्फो एक सेकेंड यहाँ पर हम हिंदी में लिख दे रहे हैं फास्ट क्या होता है बेटा फास्ट फिर से फॉस्टफेट एड कर रहे हैं हम तो क्या हो गया हो गया क्लियर है हो गया अब, अब हम इससे का क्या करने वाले हैं एनर्जी छीनने वाले हैं क्या करने वाले हैं एनर्जी को छीनने वाले हैं अब ठीक है देखो यहां से हमने एनर्जी दिए ना अभी तक अभी तक हमने उसको लालच दिए लालच दिए एनर्जी दिए अब क्या करेंगे चूंकि अब वो हो गया लालची तो अब क्या करेंगे उससे हम खींचेंगे ठीक है अब क्या करेंगे हम लोग उससे एनर्जी लेंगे तो चलिए एनर्जी लेते हैं अब अब एनर्जी लेंगे तो क्या होगा चलिए ये जो थ्री हाइट है बेटा थ्री फॉस्फोगल जो है ये क्या करेगा इससे क्या जुड़ेगा फिर से फॉस्फेट अब फॉस्फेट जोड़ने के लिए हम इसको अब एनर्जी तो दे नहीं सकते क्या नहीं कर सकते एनर्जी तो दे नहीं सकते तो क्या करेंगे फिर इसमें फास्फोरिक अम्ल जोड़ देंगे एच थ्री पी एक सेकेंड फास्फोरिक अम्ल जोड़ देंगे क्या जोड़े हमने एच थ्री पी ओ फोर एड किए तो क्या बन गया बेटा ये क्या बन गया पहले थ्री फास्फोग्लिसरल था अब बन जाएगा क्या वन थ्री डाई फास्फोग्लिसरल क्या बनेगा वन थ्री पहला और तीसरे नंबर पे जुड़ा है क्योंकि दो फास्फोरिक अम्ल है तो फास 13 डाई फास्फो फास्फो ग्लिसरल्डि रेल्डि हाइड ठीक है वन थ्री डाई फास्फोग्लिसरल्डि हाइड ये बनने वाला है क्योंकि हमने इसमें क्या किए हैं फास्फेट ऐड किए हैं क्लियर है बेटा अब क्या है अब क्या है, अब क्या है? अब हमको इसको क्या करना है इससे एनर्जी लेना है क्या करना है एनर्जी लेना है और एनर्जी लेने के लिए करना होगा इसका क्या ऑक्सीडेशन क्या करना होगा यहाँ पर इसका हमको इसका करना होगा बेटा ऑक्सीडेशन इसका क्या करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन करते हुए चलेंगे क्या करते हुए चलेंगे ऑक्सीडेशन करते हुए चलेंगे अब जब ऑक्सीडेशन होगा तो बेटा रिडक्शन तो होगा ही होगा क्योंकि अगर आप देखोगे तो कोई भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन होगा कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो देने वाला होगा ना तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस बेटा दोनों एक दूसरे के पैरल चलती है क्लियर है अगर कहीं तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन होगा होगा हो होगा तो तो ना इसका रिडक्शन ही देखते हैं जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा अभी तक था वन थ्री डाई एलडी एल्डिहाइड था अब क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा बेटा वन थ्री डाई फॉसफो एसिड अब बन जाएगा वन थ्री डाई फॉसफो ग्लिसरिक एसिड वन थ्री डाई फॉसफो ग्लिस्क एसिड बनेगा क्या हुआ यहां पर हमने किया इसका क्या ऑक्सीडेशन अब ऑक्सीडेशन अगर कर दिए हैं ऑक्सीडेशन अगर कर दिए तो इसका रिडक्शन भी कर दें। इलेक्ट्रॉन ले लिया गया तो दे देते हैं हम लोग यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो बेटा इसमें एक होता है क्या इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, मतलब देने वाला कौन हो जाएगा यहाँ पर रिडक्शन किसका होगा एन ए डी का किसका रिडक्शन होगा बेटा जो एन ए डी है ये एन ए डी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें एन ए डी एच टू में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा NAD चेंज हो जाएगा एनएडीएस टू में और इनके सबके होंगे बेटा एक सेकेंड दो दो मॉलिक्यूल होते हैं चूंकि इसके इनके दो दो मॉलिक्यूल होंगे आपके यस yes. चलिए ये जो आपका NAD है क्या है बेटा एन ए डी ये जो एन ए डी है इसके होंगे टू मोलिक्यूल एनएडी टू एन ए डी आएगा तो क्या बनेगा टू एन ए डी एच क्या बनेगा बेटा टू एन ए डी एच टू ये हो गया इसका क्या रिडक्शन एन एडी से क्या बन गया एन ए डी एच टू बन गया किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन देगा ठीक है कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर क्या हो गया रिडक्शन भी हो गया ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्शन भी हो गया एनएडी से क्या बन गया बेटा बन गया अब क्या होगा अब क्या होगा फिर फिर से, फिर से क्या हो जाएगा? में। हो हमारी थोड़ा नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा अभी तक वन थी डाई फॉस्फोग्लिसिक एसिड था अब इसमें से हमको निकालना है फॉस्फेट एक फास्फेट का मॉलिक्यूल निकलेगा इसमें से और फास्फेट लेने वाला कौन क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन फिर से कर रहे हैं हम रिडक्शन फिर से कर लेते हैं चलिए तो फिर इसमें बनेगा बेटा क्या थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड क्या बनेगा थ्री फास्फो ग्लिसरिक ग्लिसरिक एसिड थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया मतलब इसमें से एक फास्फेट का मॉलिक्यूल निकल गया अब एक फास्फेट का मॉलिक्यूल निकल गया इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल दिए कोई ना कोई ऑक्सीडेशन हो गया इसका इलेक्ट्रॉन निकाले ऑक्सीडेशन हुआ अब क्या कर लेते हैं हम इसका रिडक्शन रिडक्शन कर लेते हैं अब जब करेंगे तो क्या होगा बेटा इसमें जो एडीपी था अभी तक जो एडीपी बनाए थे हमने हमारी इसमें जो एडीपी था कितना एडीपी टू एडीपी मॉलिक्यूल रहेंगे बेटा एक सेकेंड कितना मॉलिक्यूल रहेगा एडीपी का टू क्या रहेगा टू एडीपी होगा टू एडीपी टू एडीपी से क्या बन जाएगा अब का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया बेटा टू एडीपी मॉलिक्यूल ने फॉस्फेट मॉलिक्यूल को क्या कर लिया ले लिया और क्या बनाया ए बना दिया ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्शन भी हो गया ठीक है अब बनेगा क्या फिर से फिर से हम क्या कर रहे हैं इसको क्योंकि तोड़ने के लिए ही तो आए यहां पर हम तो अब करते हैं थ्री फॉस्फोग्लिसरेल डिहाइड जो था बेटा वो फिर से चेंज हो जाएगा किस में फिर से इसमें से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ पर निकाल लिए हमने पहले ही तो क्या बन गया टू फॉस्फो ग्लिसरिक ग्लिसरिक एसिड टू फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड बन गया क्या बन गया बेटा टू फॉस्फो एसिड बन गया टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया अब टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद में बनेगा क्या टू क्या बन जाएगा इसी के बाद इनॉल पायरुविक पायरुविक एसिड बेटा इधर दिख रहा है चलो एक सेकेंड यहां नहीं दिख रहा है एसिड कर कर करते हुए चल रहे हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते, निकलते जा रहे हैं निकालते जा रहे हैं निकालते जा रहे हैं निकलते जा रहे हैं बिल्कुल है, 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 निकाल दिए है ना क्या बना टू फॉस्फो इनाल पायरुविक एसिड बना अब ये जो टू फॉसो इनाल पायरुविक एसिड है बेटा ये जो टू फॉस्पो इनाल पायरुविक एसिड है ये क्या करेगा इसमें से फिर से एक फॉस्पेट मोलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बनाएगा टू पायरो एसिड टू पायरुविक एसिड एक फॉस्पेट मॉलिक्यूल अगर निकलेगा इसमें से दो फॉस्पेट मॉलिक्यूल निकलेंगे क्योंकि दो दो चले आ रहे हैं क्योंकि दो फॉस्पेट मॉलिक्यूल इसमें से भी निकलेंगे तो अगर फॉस्पेट मॉलिक्यूल निकलेंगे तो इसमें से क्या होगा बेटा एडीपी कितने एडीपी एक सेकेंड टू पी फिर से क्या हो जाएगा बेटा टू ए पी में चेंज हो जाएगा टू पी से फिर से क्या बन गया बेटा टू ए पी का निर्माण हो गया क्लियर है तो अब देखिए इस तरीके से जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस थी बेटा उसका जो फाइनल प्रोडक्ट था हमारा क्या बना फाइनल प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना हमारा फाइनल फाइनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट बना जो बना बना जो का वो बना बेटा क्या पायरुविक अम्ल क्या बना पायरुविक अम्ल और पायरुविक अम्ल के कितने अणु बने कितने मॉलिक्यूल बने बेटा दो मॉलिक्यूल बने हैं दो पायरुविक अम्ल निकले किससे एक ग्लूकोज के टूटने से ठीक है

क्या होगा इसका क्लीवेज हो रहा है इसका क्लीवेज हो रहा है इसको तोड़ा जा रहा है तोड़ा जा रहा है तोड़ा जा रहा है ठीक है ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब इसके बाद में फिर क्या होगा पायरुविक अम्ल का निर्माण हो रहा है पायरुविक अम्ल के निर्माण की प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो गई है यहीं से स्टार्ट हो गई है आपकी पायरुविक अम्ल के निर्माण की प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो चुकी है ठीक है चलिए तो तीन स्टेप मुख्य रूप से होगी सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका फास्फोराइलेशन किसका ग्लूकोज का अब चलिए ग्लूकोज को तोड़ना है हम लोग लिखते हुए चलते हैं कि हमारी सही में फर्स्ट सेकेंड स्टेप चल रही है नहीं चल रही है है अब देखो ये है बेटा हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप हम लोग लिख लिख रहे हैं यहां पर दे रही फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ बेटा फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ ग्लूकोज एंजाइम की प्रेजेंट में और ऊर्जा की उपस्थिति में किसका निर्माण किया ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट का निर्माण किया किसका निर्माण किया ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट का निर्माण किया इसमें एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल आकर

एक फॉस्फेट जो है अणु वो दे दिया किसको किस को फ्रेक्टोट को तो फ्रेक्टोट चेंज हो गया किसमें डाई फ्रेक्टोजेट में डाई फिर से दो भागों में टूट जाएगा क्या हो जाएगा बेटा दो भागों में टूट जाएगा इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा दो भागों में टूट जाएगा जैसे ही दो भागों में टूटा तो दो पदार्थ बन गए इसमें पहला बना बनेगा क्या डिहाइड्रोक्सी एसिटोन

One, three, die, -glyceraldehyde में change हो गया। अब one, three, die, -glyceraldehyde जो है बेटा, वो क्या करेगा इसका oxidation करेगा। इसका oxidation इसका इसका होगा। होगा, जब तो इसको reduction करना भी पड़ेगा। कर कोई, electron दे रहा है बेटा, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला चाहिए कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला चाहिए या फिर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो देने वाला भी चाहिए तो यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होती हैं अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन करेगा चूंकि इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलते हुए चल रहे हैं फॉस्फेट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो किसने लिया NAD ने अपना इलेक्ट्रॉन लेते हुए चल रहा है रिडक्शन करते हुए चल रहा है तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है एनएडी यहाँ पर एनएडी से क्या बना बेटा एनएडी बना जो क्या है एक प्रकार की एनर्जी के रूप में रिलीज हो रहा है क्लियर है इसके बाद में क्या हुआ

एडीपी लिए एडीपी के दो मॉलिक्यूल से फॉस्पेट का मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बनाया फिर से ए टीपी का निर्माण किया एनर्जी के रूप एनर्जी निकल गया के रूप में और अब क्या बन गया बन बेटा टू मॉलिक्यूल गए किसके अम्ल के टू मॉलिक्यूल बन गए अब हमारी मोलिक्यूल थर्ड स्टेप थी ये हो गई हमारी फोर्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया बेटा फॉस्पेट फॉस्फोरिक अम्ल जोड़े छठवें स्टेप में हमको एनएडी NAD से एनएडी मिला ऑक्सीडेशन रोडक्शन हुआ ये हो गई सातवी स्टेप आठवीं नौवी स्टेप और दस स्टेप के बाद में दसवीं स्टेप में आपको क्या मिल गया बेटा पायरोविक अम्ल मिल गया दसवीं स्टेप में आपको क्या मिल गया पायरोविक अम्ल मिल चुका है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दसवीं स्टेप में क्या मिल गया आपको दसवीं स्टेप के बाद आपको मिल गया पार, क्या पायरोविक अम्ल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन मतलब टेन आपका इधर आ जाएगा से ठीक है ये है आपका टेन टेन स्टेप में आपका कंप्लीट होता है क्या ग्लाइकोलिसिस क्लियर है बेटा क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं क्या ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो था वो आपको समझ में आया किस तरीके से ग्लूकोज पायरविक कमले में टूट रहा है दस स्टेप में कौन से कौन से प्रोडक्ट इसके बन रहे हैं क्लियर है क्या क्या चीज बनी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ग्लूकोज फिर ग्लूकोज के बाद में ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट फ्रक्टोज वन सिक्स डाइ फॉसफेट

अगर इतनी चीज आपको समझ में आई हो तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बेटा हम लोगों ने जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल देखा क्या देखा जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल देखा ग्लाइकोलिस पाथवे इंपॉर्टेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलिसिस पाथवे का इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखते हैं किसका ग्लाइकोलिसिस पाथवे का इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं बेटा तो अगर हम इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो इसमें क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है क्या हो रहा है चले। सबसे पहला इसमें ग्लूकोस काय में चेंज हो जा रहा है पायरुविक एसिड में किस में चेंज हो रहा है बेटा ग्लूकोज चेंज हो रहा है किस में पाइरुविक एसिड में पाइरुविक एसिड लेकिन कितने मॉलिक्यूल इसके टू मॉलिक्यूल्स ठीक है पाइरुविक अम्ल में चेंज हो गया सेकेंड इसमें क्या याद रखना है इसमें हम लोगों ने क्या किए क्या किए क्या किए थे कितने एटीपीस का खर्चा कितना हुआ यहां पर याद रखना है हमको हम याद रख सकते हैं क्या खर्चा भैया हम लोग क्या कर रहे हैं अगर हमको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है तो इसलिए ऊर्जा पाने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले उसको ऊर्जा देना पड़ता है क्या करना पड़ता है ऊर्जा देना पड़ता है तो हमने खर्च कितना किए हमारा खर्चा कितना हुआ ऊर्जा के रूप में हमने कितना खर्च किए हैं कितना खर्च किए हैं देखिए यहाँ पर हमने खर्च किए हैं कितना खर्च किए हैं एक एटीपी दो एटीपी कितना एटीपी खर्च किए बेटा दो ए खर्च कर चुके हैं ना किसको तोड़ने के लिए ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमने दो ए खर्च किया है क्योंकि हमको ऊर्जा प्राप्त करना है तो ऊर्जा तो देना पड़ेगा तो ऊर्जा दिया हमने कितना खर्चा कितना किया है बेटा दो ए कितना खर्चा किया है दो ए का खर्चा किया है अब तीसरा स्पेंड तो हमारा हो गया दो ए प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है प्रॉफिट अब प्रॉफिट हमको कितनी एनर्जी कितनी ऊर्जा मिली प्रॉफिट के रूप में हमको क्या मिला क्या मिला चलिए फिर से देखते हैं हमको क्या क्या मिला है यहां पर आप अगर आप आगे बढ़ोगे जैसे ही यहां पर एटीपी इसने लिया है लेकिन आगे चल के देखोगे तो एडीपी यहां पर सबसे पहले उसने क्या लिया एन बनाया फिर ए बनाया है दो ए कितने एटीपी दो एटीपी दो एटीपी चार ए और दो एन ये ऊर्जा के रूप में निकले हैं क्या 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 निकला बेटा प्रॉफिट के रूप में हमको क्या मिला दो और दो चार ए क्या मिला चार ए टी पी प्लस टू एन ए डी एच टू क्या है टू एन ए डी एच टू ठीक है तो टू एन ए डी एच टू ये मिल गया प्रॉफिट के रूप में अब देखो हमको जो फोर्थ पॉइंट याद रखना ये तो टोटल प्रॉफिट हुआ ये टोटल खर्चा हो गया ठीक है लेकिन प्योर प्रॉफिट हमारी शुद्ध लाभ क्या प्योर प्रॉफिट शुद्ध लाभ हमारा शुद्ध लाभ कितना है हम अगर हम मान लो कि बीस रुपये खर्च कर रहे हैं और हमको मिला चालीस उससे क्या मिला हमको बेटा चालीस रुपये मिल गया तो क्या हमको चालीस का फायदा हुआ क्या नहीं हमको शुद्ध लाभ कितना बीस ही रुपए का तो हुआ है ना बीस रुपए तो हमने खुद खर्च किया था हमारा खुद का था वो तो बीस रुपए तो खर्च कर चुके थे हम उसी से हमको मिला है चालीस तो शुद्ध लाभ हुआ कितना बीस रुपए तो वही देखना है हमने दो ए तो उसमें खर्च किया था ना दो ए तो खर्च कर दिया था तो हमको देखना है शुद्ध लाभ जब दो ए खर्च कर दिया बेटा और चार ए हमारे पास मिले दो ए खर्च किया चार ए मिले तो मेरे को बताओ कि कितना ए बचा कितना ए बचेगा दो ए बचेगा ना कितना ए बचेगा दो ए बचेगा और क्या बचेगा टू एन ए डी एच टू क्या बचेगा बचेगा टू ए बचेगा और टू एन ए डी एच टू बचेगा क्लियर है अब इसमें हमको याद कर... देखना है इसमें टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी हमको टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी तो बेटा इसमें याद रखना है आपको क्या जो आपके एक NAD मॉलिक्यूल होता है एक एन H2 से तीन ATP मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं कितने प्राप्त होते हैं तीन ATP एनर्जी प्राप्त होती है तीन ATP एनर्जी प्राप्त होती है अब अगर एक से तीन एनर्जी प्राप्त होती है बेटा तो अब आप बताइए एक NADH2 से तीन ए प्राप्त हुई तो दो एन से कितने ए प्राप्त हो जाएगी दो ए तो पहले से है हमारे पास में और इसके कितने हो गए बेटा छः ए प्राप्त हो गए तो टोटल एनर्जी हमको कितनी मिली आठ ए कितनी मिली आठ ए तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है बेटा रेस्पिरेशन की जो पहली प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है इससे हमको आठ ए ऊर्जा प्राप्त हुई कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई आठ ए ऊर्जा प्राप्त हुई दो एटीपी के रूप में और दो एन टू के रूप में प्राप्त हुई और टोटल हम इसको निकाले तो कितनी आठ ए ऊर्जा प्राप्त हुई है किसमें ग्लाइकोलिसिस साइकिल के पश्चात ठीक है ग्लाइकोलिसिस साइकिल के पश्चात अब एक और क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन है आपसे ये जो हमारे सामने साइकिल बना हुआ है चूंकि हम श्वसन कर रहे हैं चूंकि हम क्या कर रहे हैं श्वसन कर रहे हैं तो बताओ जब हम श्वास लेते हैं श्वास छोड़ते हैं तो जो श्वसन के उपरांत जो गैस बनती हुई, तो बाहर निकलती है तो श्वसन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो क्या यहाँ पर आपको कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हुई दिखी क्या कहीं से यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाले निकाले क्या बताइए क्या कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हुई दिख रही है नहीं दिख रही ना दिख रही नहीं ना कहीं भी नहीं दिखी हमको मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका ग्लाइकोलिसिस साइकिल है कौन सा साइकिल ग्लाइकोलिसिस साइकिल है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी किसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती इसलिए क्या होता है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज नहीं होती है CO2 टू टू प्राप्त एक सेकेंड CO2 टू प्राप्त नहीं होती है नहीं होती है यह था हमारा ग्लाइकोलिसिस क्या था बेटा हाँ ये था हमारा क्या ग्लाइकोलिस क्या आपको समझ में आई या सर के ऊपर से गई समझ में आ रही है पाथवे समझ में आया किस टाइप से साइकिल कंप्लीट हो रहा है साइटोप्लाज्म में कोशिका के साइटोप्लाज्म कोशिका के कोशिका द्रव्य में बेटा इसको देख लेते हैं हम साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो रही है हमारी प्रोसेस तो साइटोप्लाज्म को लिख दे रहे हैं हम लोग इसको कहा जाता है क्या कोशिका द्रव्य क्या कहा जाता है कोशिका का द्रव्य कहा जाता है ठीक है कहाँ कंप्लीट होती है कोशिका का द्रव्य में कंप्लीट होती है साइकिल ठीक है कितने चरणों में पूर्ण होती है दस चरणों में पूर्ण होती है कितने प्रॉफिट है हमको तो दो एटीपी और दो एन टू का प्रॉफिट है जिसमें और खर्च कितना है दो तो एटीपी हम लोगों ने खर्च किया है शुद्ध लाभ हमको कितना हुआ बेटा आठ एटीपी का शुद्ध लाभ हमको होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है और क्या होता है इसमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुविक मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं क्लियर है चलिए अगर क्लियर है बेटा अगर ये चीज़ आपको क्लियर है आपको क्लियर है तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में आज तो हम ग्लाइकोलिसिस साइकिल यही कंप्लीट करते हैं यहीं पर हम लोग आज कंप्लीट करते हैं क्लास को क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है आपको इसको क्या करना है रिवाइज भी करते हुए चलना है ठीक है कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो ठीक है तो इसको अच्छे से आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है बेटा कल हम लोग इसके आगे की जो प्रोसेस है हमारा सेकेंड साइकिल है ना क्रेब साइकिल श्वसन का सेक, सेकेंड स्टेप है हमारा क्रेब साइकिल तो कल हम लोग क्रेब साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं आज हमारा ग्लाइकोलिसिस साइकिल कंप्लीट हो चुका है ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या चीजें होती हैं कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है कितनी ऊर्जा लग रही है कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है इसके बारे में हम लोगों ने देखा है अब देखते हैं हम लोग कि ये पायरविक अम्ल आगे चल के कैसे काम करता है ठीक है कैसे ये पूरी तरीके से ऊर्जा में कन्वर्ट होता है क्योंकि लास्ट प्रोडक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और एनर्जी ही बनेगी तो कैसे बनता है ये हम लोग देखने वाले हैं क्लियर है बेटा आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी समझ में आई होगी अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में बेटा ठीक है चलिए टेक केयर बाय बाय हैव अ नाइस डे थैंक यू